ये थे सैयद अनवर जो के तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरगोधा के बाद अहम खबर शामिल करते हैं लालिया से, जहां थाना मोहम्मद वाला के इलाका में डकैत अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज चिश्ती से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी अबू बकर, थाना मोहम्मद वाला के इलाका में डकैत अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी। SHO थाना मोहम्मद वाला सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असदुल्लाह, ASI अंसर हमराई टीम डकैतियों की मुखबिरी पर सरकारी गाड़ी की लाइट बंद करके पुल खान दा कोर्ट पहुंचे तो 5 नाकस्मर नामालूम मुल्जमान ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की और पुलिस पार्टी को देखकर करीबी फसल कमान में छुप गए। मुल्जमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने हिफाजती खुद इख्तियारी के लिए हवाई फायरिंग की और बजरिया वायरस मजीद रफरी तलब की गई। कुछ देर बाद मुल्जमान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला बंद हो गया। फसल कमान के चेक करने पर एक मुल्जम मुसल्ला पिस्तर जख्मी हालत में पड़ा था, जबकि बकाया मुल्जमान फसल कमान की फायदा उठाते हुए अपने 3 मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी मुल्जम की शिनाख्त अफकार मोहम्मद वाल्द मोहम्मद अली कौम मुस्लिम शेख सकना चुंगी नंबर 7 चिन्होट हुई। 5 नाकस नामालूम मुल्जमान के खिलाफ थाना मोहम्मद वाला में मुकदमा दर्ज हो चुका है और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया रियाज चिश्ती तफसीलात से आगाह करने का।